स्वागत है आप सभी का पावर टूल्स नेशन में। आज हम चेंज करेंगे एंगल ग्राइंडर के फील्ड कॉइल। ये मॉडल है डिवॉल्ट 801। सो आज हम इसकी फील्ड कॉइल चेंज करेंगे। सो मैं आपको फुल डिटेल में समझाऊंगा कि क्या प्रोसीजर रहता है। तो सबसे पहले हमें इसके कार्बन निकालने होंगे। बिकॉज इसके लिए हमें पहले आर्मेचर निकालना होगा, जिसके लिए कार्बन निकालना ज़रूरी होता है। एंड हम इसका बैक कवर खोलेंगे। सो हमारे फील्ड के चार वायर होते हैं जो कि दो कार्बन की तरफ होते हैं। एक वायर हमें ये निकालना है, देन मेन स्विच में एक वायर होता है हमारा फील्ड का, वो निकालेंगे हम। एक मेन वायर में डायरेक्ट लगता है फील्ड का वायर, इसे भी हम निकाल लेंगे फील्ड बाहर निकालने के लिए। अगेन कार्बन की तरफ लगता है एक वायर, हम स्विच बाहर निकाल लेंगे। अब हमें फील्ड बाहर निकालने के लिए हमें कार्बन होल्डर को खोलना पड़ेगा, बिकॉज इसके नीचे एक स्क्रू रहता है, हमें वो भी खोलना पड़ेगा। सो इस कार्बन होल्डर के नीचे एक स्क्रू होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये एक छोटा सा स्क्रू इसके अंदर होता है, हमें ये खोलना ज़रूरी है। इसके खोले बिना फील्ड बाहर नहीं आएगी। तो हम वायर सीधे करके इजीली फील्ड को हैमर की मदद से बाहर निकाल लेंगे। हमें बिल्कुल कॉर्नर पे हैमर हिट करना है, अगर हम थोड़ा आगे करेंगे तो इसकी प्लास्टिक टूट सकती है। ये हमारी फील्ड बाहर आ चुकी है, हम इसे चेक कर लेते हैं पहले कि इसमें क्या ख़राबी है। मैं आपको ये भी चेक करके दिखाऊंगा। तो हम कोई भी दो क्रॉस वायर अटैच करके एंड दो वायर के अंदर हम सीरीज से सप्लाई देंगे। ये याद रहे हमें सीरीज से सप्लाई देनी है। अगर हम मेन सप्लाई देंगे 240 या 220 वोल्ट से तो शॉर्ट हो सकता है। ये फील्ड करंट तो आ रहा है इस फील्ड के अंदर, लेकिन ये फील्ड मैग्नेट नहीं बना रही है। मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ मैग्नेट चेक कैसे की जाती है। हम दो क्रॉस वायर अटैच करेंगे और दो वायर के अंदर सीरीज से वायर अटैच करेंगे। एंड हम इसके कॉर्नर में टच करके देखेंगे, अगर ये चिपक रहा है तो मैग्नेट सही है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये चिपक रहा है, तो ये वाली कॉइल मैग्नेट बना रही है। ऐसे हम ऊपर कॉर्नर में करके देखेंगे फील्ड कॉइल के कॉर्नर पे, तो इसके अंदर मैग्नेट नहीं बन रहा है, नहीं स्क्रू ड्राइवर इसके अंदर चिपक रहा है, तो हमारी एक कॉइल ख़राब है। ये हमारी रिवाइंडिंग फील्ड है। एंड आपको अगर जानना है कि फील्ड कैसे रिवाइंड की जाती है, मैं आपको राइट कॉर्नर में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। सबसे पहले हम पुरानी फील्ड के ये प्लास्टिक काट लेंगे, बिकॉज ये जो रिवाइंडिंग फील्ड होती है उसके अंदर अटैच होगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे अटैच करना है।
ये प्लास्टिक हमें काट के बाहर निकालनी है एंड फेविक क्विक के हेल्प से हमें इसे चिपकाना पड़ेगा। एंड ये चिपक चुका है, अब हम इसको फील्ड को बॉडी के अंदर सेट करेंगे। पहले हम सारे वायर सीधे कर लेते हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस होता है बॉडी के अंदर सेट करना, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, बस ये वायर सेट करना थोड़ा अजीब प्रोसेस है, बहुत इरिटेटिंग प्रोसेस है ये। फील्ड के अंदर चार वायर टोटल होती हैं, जिसमें से दो वायर छोटी होती हैं एंड दो वायर बड़ी होती हैं। तो जो दो छोटी वायर होती हैं वो कार्बन में फिट होने के लिए होती हैं एंड जो दो वायर होती हैं, एक वायर हमें बड़ी स्विच के अंदर फिट करनी होती है एंड एक डायरेक्ट मेन लीड के अंदर लगती है। मैं आपको भी वो फिट करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे वायर फिट होगी। पहले हम इसको बॉडी में सेट कर लेते हैं। जो हमने प्लास्टिक फेविक्विक से चिपकाई थी वो हमारी नीचे स्क्रू लगाएंगे हम, उसके लिए हेल्प करेगी, जिससे फील्ड बॉडी में बिल्कुल फिट हो जाती है। अब हमें ये छोटे वायर कार्बन होल्डर में डालना है, एक वायर हमारा यहाँ चला जाएगा एंड दूसरा छोटा वायर दूसरे कार्बन होल्डर में। अब हमारे मेन दो वायर बड़े बचे हैं, जो हमारा डायरेक्ट एक स्विच में जाएगा। पहले हम ऊपर की फिटिंग कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारा फैन कवर लगेगा, देन इसके बाद हम आर्मेचर फिट करेंगे। ये हमारा स्विच फिट हो चुका है। अब एक मेन वायर हम स्विच में लगाएंगे डायरेक्ट। दूसरा वायर हम मेन लीड के अंदर लगाएंगे। एंड ये फील्ड हमारी कंप्लीटली सेट हो चुकी है। हम इसके अंदर कार्बन लगाएंगे।
ये दो वायर छोटे होते हैं फील्ड के, जो हमारे कार्बन के अंदर जाते हैं, कार्बन होल्डर के अंदर। और जो दो बड़े वायर होते हैं मेन वायर, एक हमारा स्विच में लगता है एंड एक मेन लीड में। अब हम इसमें कार्बन लगाएंगे। हम इसे चला कर देखेंगे। Yeah.